मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। प्रसार शिक्षा के संबंध में सिद्धांतों की बात करने से पहले हम ये जान लेना चाहते हैं, हमें ये जान लेना चाहिए कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांत जो होते हैं वो निर्णयों को निर्देशित करने और सही तरीके से कार्य करने के लिए उनका निर्माण किया जाता है, या इस प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं वह सिद्धांत कहलाती हैं। प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करें कि वह स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर होकर अपना और अपने परिवार और समाज का विकास कर सके, वही प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कहलाते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगी कि ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार करें कि स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर होकर और अपने परिवार और समाज का विकास कर सके, उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। अगर प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की बात करें तो मैंने आपको वीडियो में एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें प्रसार शिक्षा के सभी सिद्धांत क्रमवाइज प्रदर्शित हो रहे हैं। तो फर्स्ट सिद्धांत है उसमें रुचियों और अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचि जो होती है, जनरली अगर हम बात करें तो व्यक्ति की पसंद, उसकी इच्छाओं, उसकी जो चाहत होती है उसे कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति की रुचियों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति की रुचि होगी तो वह स्वयं आगे बढ़कर सीखने में अपने का प्रयास करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहेगा, समस्याओं का निदान करना चाहेगा। प्रसार शिक्षक जो होता है, जनरली अगर व्यक्ति अपनी रुचि दिखाते हैं उस कार्य में तो प्रसार कार्य करना और उसे सिखाना एक आसान हो जाता है, या हम यूँ कहें कि प्रसार शिक्षक को अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं लोगों को सिखाने के और कार्य करने के। मनुष्य के में से मन में जो चलता है व्यक्ति उसी से प्रेरित होता है। यदि उसके मन में इच्छा है कि मुझे यह कार्य करना है तो वह उसके प्रति अपने आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि यदि व्यक्ति की रुचियां और अनुभूत आवश्यकताएं पर ही वो कार्य निर्भर किया जाए तो व्यक्ति अगर इंटरेस्ट ले अपने इंटरेस्ट से उन कार्य में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो वह कार्य अपने आप ही सफल हो जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति को उस कार्यक्रम में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वह उसे सुनना भी पसंद नहीं करेगा। उसे मानना और उसे समझना तो बहुत दूर की बात है। ज़बरदस्ती बुलाकर, अनुनय विनय करके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं, लेकिन आप अपने इस कार्यक्रम को बिल्कुल सफल नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहाँ आना, मन से उसे सुनना, समझना और उसे अपनाना अत्यंत आवश्यक होता है। सेकंड है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। सिमिलर है स्वैच्छिक शिक्षा, स्वैच्छिक इच्छाएँ जो होती हैं, यानी स्वयं से की जो इच्छा होती है, सिमिलर चीज़ आ गई। सेम थिंग है कि दबाव में आकर व्यक्ति कुछ भी नहीं सीखता है। सीखने का जो प्रभाव होता है वह भी दीर्घकालिक नहीं होता, स्थायी नहीं होता है यदि दबाव में सिखाया जाता है। तो दबाव में सिखाने पर शिक्षार्थी बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाता है, हतोत्साहित होने की बजाय हतोत्साहित हो जाता है। सीखने और सिखाने की जो क्रिया है वो जनरली मन से होनी चाहिए, तभी परिणाम अच्छे आते हैं, अन्यथा परिणाम जो है वह भी अच्छे नहीं आते हैं और प्रक्रिया मंद हो जाती है। प्रसार शिक्षा में लोगों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन लाने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है।
ताकि उनकी सोच समझ के तरीके में परिवर्तन आए, तभी वह स्वयं को बदलने के लिए तैयार होता है। अन्यथा स्वतः ही सीखने के लिए अलग उत्पन्न हो नहीं ना हो तो चीज़ों को जल्दी भी नहीं सीख पाता, और यदि इसके विपरीत यदि व्यक्ति में स्वयं सीखने की इच्छा हो ललक हो तो व्यक्ति बहुत जल्दी सीख जाता है और सीखने के बाद उसे अपने जीवन में अपनाता है। तो सिंपली है कि दबाव जबरदस्ती में बिठाकर कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जा सकती। सिंपल सा एग्जांपल यदि हम ले तो छोटे बच्चे हैं इसका, उनकी पढ़ने की इच्छा होती है तो वह बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं और सारा होमवर्क भी फटाफट कर लेते हैं। इसके विपरीत यदि आप देखेंगे कि आप जो जबरदस्ती से जब माताएं उनके पीछे पढ़कर कहती हैं कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा करके करती हैं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते भी नहीं हैं, और अगर आप ज़बरदस्ती उन्हें बिठा देंगे तो वह सिर्फ कॉपी पेंसिल या बुक हाथ में लेकर बैठे रहते हैं, उनका मन नहीं लगता है। तो इसलिए कहा गया है कि दबाव में आकर कोई भी सीखने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है, और यदि की जाती है तो वह बहुत मंद गति से होती है, उसका जो प्रभाव होता है वो भी अल्पकाल का होता है, व्यक्ति को ज़्यादा समय तक वह चीज़ें याद नहीं रहती हैं और वह वापस भूल जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। स्वयं की सहायता अर्थात अपनी मदद स्वयं करना। कहा जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है, यानी कि बिना कर्म किए किसी मेहनत का फल नहीं मिलता। जब व्यक्ति स्वयं ही आगे बढ़कर सीखने के लिए लालायित रहता है तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इच्छाएं रखता है तो उसके लिए प्रयास करता है तो सीखने और सिखाने की क्रिया बहुत आसान हो जाती है। सीखने और सिखाने की क्रिया बहुत आसान हो जाती है जिससे कार्यक्रम अपने आप सफल हो जाता है। यदि प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो लोगों को कम, प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य मुख्य कर्तव्य क्या होता है, लोगों को उत्प्रेरित करना अपने विकास के लिए अपनी प्रगति के लिए, उनको प्रोत्साहित करना। ऐसा तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करे। अगर व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करना ही नहीं चाहता है तो आप चाहे कितना ही प्रयास कर लीजिए वो है अपना किसी भी समस्या को वह अपनी किसी भी समस्या को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। आप उसे कितने ही समाधान बता दीजिए लेकिन वह उस समस्या को सॉल्व आउट नहीं कर पाएगा जब तक कि वह स्वयं उसे करने के लिए तत्पर नहीं होगा। यह हमारे जीवन में भी हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जब हमारे समाज जीवन में हम कोई कार्य हमारे सामने कोई समस्या आती है तो यदि हम सिर्फ बैठे बैठे उसके बारे में चिंतन करते हैं तो वह समस्या और बढ़ती चली जाती है और हमें वो एक छोटी सी समस्या भी एक बड़े पहाड़ के समान दिखाई देने लगती है और हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है और हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम सिर्फ चिंतन करने के अतिरिक्त यदि हम उस समस्या को सुलझाने के लिए कार्यरत हो जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं, हाथ पैर मारने लग जाते हैं तो वह समस्या कुछ समय के पश्चात सॉर्ट आउट हो जाती है, चाहे वो कितनी से कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो। नेक्स्ट सिद्धांत आता है करके सीखने का सिद्धांत। हमने पहले भी कहा है कि प्रसार शिक्षा करके सीखने की प्रक्रिया है। इसमें करके सीखने पर अत्यधिक जोर दिया जाता है क्योंकि वह एक व्यावहारिक शिक्षा है। ग्रामीण जनता जो कि अपने घर खेत गौशाला आदि में जाकर कार्य करती है, यदि ग्रामीण जनता का स्वभाव जो है उसे पहचान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वह थोड़ा जिद्दीपन होता है। वह किसी भी सुझाव को आसानी से नहीं मानती और ना ही नवीन तकनीकों को सरलता से अपनाती है। जैसे कि सिंपली एग्जांपल यदि हम कहें कि यदि आप वर्बल ओरल मौखिक रूप से यदि कोई चीज़ सिखाते हैं तो लोग सिर्फ उसे सुनते हैं और वहीं छोड़कर उसे चले जाते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके दिमाग में फिट नहीं होती है वो चीज़। इसके विपरीत यदि प्रैक्टिकली उनको करके दिखाया जाए और साथ में उस
उनके हाथों से भी वह क्रियाएँ करवाई जाएं, स्वयं से भी वह क्रियाएँ करवाई जाएं, करके देखने के लिए कहा जाए, तो व्यक्ति बहुत अच्छे से उन चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है और उन क्रियाओं को करने के दौरान उसे क्या क्या समस्याएं आएंगी वह भी उसी समय सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इस प्रकार से की गई क्रियाएं व्यक्ति के दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं और घर जाकर वह व्यक्ति उन चीज़ों को अपने आप करके देखता है अपने जीवन में। धीरे 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 वह उसका हैबिचुअल हो जाता है और वह दूसरों को भी वही चीज़ें सिखाना प्रारंभ कर देता है, सलाह देना प्रारंभ कर देता है। सिंपली एग्जाम्पल वापस एक छोटे बच्चे का लिया जाएगा इसमें, क्योंकि उसके थ्रू हम बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। या आप ये कह लीजिए इसकी स्कूलों में जो है कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल क्लासेस कराई जाती हैं वो इसीलिए कराई जाती हैं कि बच्चे करके देखें स्वयं तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है और फिर वह जब अपने आप जब घर पर बैठकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हें लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना जिसे कहते हैं। जो व्यक्ति जब किसी चीज़ को स्वेच्छा से करने की सीखने के लिए तत्पर होता है तो व्यक्ति के भीतर वो चीज़ें जल्दी होती हैं व्यक्ति से और वो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागृत करती हैं और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति नवीन चीज़ों को अपना कर उनका प्रयोग कर स्वावलंबी बनता है और अपनी आय अर्जित करने लगता है, अर्थोपार्जन कर अपने परिवार की उनके जीवन स्तर को उनकी स्थिति को सुधारता है, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है जिससे उसकी आत्मनिर्भरता उसके आत्मविश्वास में उसके काफ़ी वृद्धि होती है। और यह स्वावलंबन और यह आत्मविश्वास उसके अनेक क्षेत्रों में उसकी सहायता करता है। नवीन चीज़ों को अपनाना, जीवन में कुछ कर दिखाने की लालसा बनी रहना, ये सब ये स्वावलंबन और आत्मविश्वास के कारण ही उत्पन्न हो पाता है। वे ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो हमेशा जिज्ञासु बने रहते हैं और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी स्वयं ही खोज लेते हैं। सहयोग का सिद्धांत नेक्स्ट प्रिंसिपल है। सहयोग का सिद्धांत, शहर के सिद्धांत अर्थात यह ग्रामीणों के कल्याण उत्थान के लिए बनाया गया है। प्रसार कार्य और कार्यक्रमों की सफलता भी निर्भर किस पे करती है, ग्रामीणों के सहयोग पर निर्भर करती है। जब हर प्रक्रिया दो तरफा होती है, सिर्फ कार्य करने से आप प्रसार कार्य का आयोजन करने से ही वह सफल नहीं हो जाता है, जब तक उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है तब तक उस कार्य की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के से सहयोग करना और ही उस कार्य उस शिक्षण का उसकी सफलता को निश्चित करता है। अकेला व्यक्ति ना तो कहा जाता ना एक कहावत कही जाती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही लोगों की सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह किसी कोई कृषि कार्य हो, मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, लघु कुटीर उद्योग हो, स्थानीय संसाधनों का विकास करना हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो। किसी भी कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति उसमें रुचि लें और जो सिखाई जाती है उसे ध्यान से सीखें और उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारें। नेक्स्ट सिद्धांत आता है अनुनय अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का सिद्धांत। अनुनय और अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। जनरली भारत की जो स्थिति है वो सदियों से ऐसी रही है कि वहाँ गरीब जनता शुरू से उपेक्षित और तिरस्कृत रही है, अभाव में जीवन व्यतीत करती है। एक अभिशाप, गरीबी एक अभिशाप इसीलिए कहा गया है हमारे देश में। ऐसी स्थिति में उन्हें न तो किसी पर विश्वास होता है, न ही उनमें परिवर्तन की इच्छा उत्पन्न होती है। उनके दिलो दिमाग जो होते हैं वो जनरली बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, जड़ रहते हैं।
उनका मस्तिष्क इस कदर अविकसित होता है कि वे नवीन तकनीकों के प्रति भी शंकालु बने रहते हैं कि यार इसमें कहीं नुकसान ना हो जाए, ये जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। इस टाइप की शंकाएं उनके मन में हर बात के लिए और हर व्यक्ति के लिए, हर परिस्थिति के लिए उत्पन्न होती रहती। कई बार उन्हें अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, इस वजह से वे हर समय हर व्यक्ति से बच बच कर चलना चाहते हैं। आत्मविश्वास, रूढ़ियाँ, भ्रांतियाँ उनके रोम रोम में समाहित हो जाती हैं, समाहित हैं। वे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में इतने प्रयासों के पश्चात और इतने सालों के पश्चात भी अंधविश्वास और दुर्लभ परंपराएं विद्यमान हैं। वे स्वयं को जो है एक निश्चित परिवेश में ढाल कर रखते हैं, बदलाव के प्रति सहज नहीं होते हैं। उनके व्यवहार को परिवर्तन करना एक अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य है, और यही कारण है कि इसका मुख्य कारण यही है कि उन्हें हर समय धोखा मिला है और उन्हें नेगलेक्ट किया गया है गरीबी के कारण। इस वजह से वो बिल्कुल निष्ठुर हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए। वो पसंद ही नहीं करते हैं किसी की बात सुनना और मानना। ऐसी स्थिति में जीवन में उतारना तो बहुत बड़ा असाध्य कार्य है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम करने से पूर्व गांव के नेताओं से संपर्क करना चाहिए, इसलिए उन्हें विनय करना चाहिए। पढ़े लिखे प्रगतिशील ग्रामीणों से संपर्क स्थापित करना चाहिए जो थोड़े से समझदार होते हैं, और कार्यक्रम को अच्छाइयों के बारे में उन्हें समझाना चाहिए। जब ये समझदार लोग मान जाते हैं तो इन कार्यक्रमों को गाँव में क्रियान्वित करना चाहिए। लोगों को प्रेरित यानी मोटिवेट करके करना चाहिए। शीघ्र सीखने वाले शिक्षार्थियों को पुरस्कृत करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और अन्य लोगों के सामने उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे लोगों में यह विश्वास आए और वो भी प्रोत्साहित हों कि नहीं ये सब सही है और हमारे फ़ायदे के लिए है। जो लोग चीज़ों को सीख लेते हैं वे अन्य लोगों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी प्रोत्साहित होने चाहिए। शिक्षा में अनुनय अभिप्रेरणा प्रोत्साहन का अमूल्य योगदान इसीलिए माना गया है कि यदि हमने पहले एक सिद्धांत पढ़ा था दबाव का, यदि दबाव के साथ आप किसी को फोर्सफुली आप किसी चीज़ से के लिए कहेंगे तो वह नहीं मानेंगे। आप उनसे इतना ही पोलाइटली और विनम्रता के साथ, उनसे रिक्वेस्ट के साथ उनको कहेंगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए कम से कम एक बार तो मान ही जाएंगे, और जब एक बार सुनेंगे तो अपने आप उनमें से कुछ व्यक्तियों को, और जो समझदार हैं, जो शीघ्र सीखते हैं, वो उसके बारे में सोचेंगे और उनको सोचने पर उनको उसको मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे अपनी सोच के लिए। नेक्स्ट सिद्धांत है धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत। किसी भी कार्य को यदि अति शीघ्रता से अल्पकाल में बहुत तीव्रता से करा जाए तो वह कार्य के जो परिणाम होते हैं वो अल्पकालिक और स्थायी होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। कुछ दिनों के पश्चात वह कार्य अपने आप बंद हो जाता है। जो बहुत तीव्रता से ऊपर उठता है वो जल्दी नीचे गिरता है, ये नियम तो हमने सब जगह ही पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ते हैं हम तो। इसलिए ये निश्चित है कि बहुत ही जल्दी तीव्रता के साथ जो कार्य किया जाता है वो जल्दी ही बंद हो जाता है। इसलिए प्रसार शिक्षा का को इस सिद्धांत पर निर्भर किया गया है या इस सिद्धांत लागू किया गया है कि विकास की गति भले ही धीमी हो परंतु निरंतर अनवरत रूप से चलनी चाहिए। कछुआ चाल, जैसे हमने एक बचपन में एक स्टोरी सुनी थी ना रैबिट और टर्टल की, कछुए और खरगोश की, कि रैबिट बहुत तेज भागता है, उसे इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, मैं तो तुरंत ही जीत जाऊँगा, तो वो हंसता है, टर्टल की हंसी बनाता है। और टर्टल को भी पता होता है कि मैं बहुत धीमी गति से चलता हूँ, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं प्रयास करूँगा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, तो वो धीरे धीरे ही सही लेकिन चलना शुरू कर देता है और उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रैबिट रास्ते में ही रेस्ट करने लग जाता है कि अरे मैं तो जीत जाऊँगा, कछुआ तो पता नहीं कब आएगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, और वो सोता ही रह जाता है। लेकिन टर्टल
निरंतर अनवरत रूप से अपने कार्य को प्रारंभ रखता है, वह बिल्कुल भी अपने जो फोकस होता है उससे इधर उधर नहीं होता और निरंतर चलता रहता है। तो अंत में विजय किसकी होती है? टर्टल की। क्यों? क्योंकि वह धीमे धीमे ही उसने कार्य शुरू किया, लेकिन उसे अनवरत रखा, निरंतर रखा। तो यानी हम हर जगह लागू होता है, इसीलिए प्रसाद कार्य को सफल बनाने के लिए इस सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। किसी भी कार्यक्रम को चलाने से पहले यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को समझना चाहिए, भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों को तलाशना चाहिए, लोगों के स्वभावों का अध्ययन करना चाहिए, कार्यक्रम की सफलता में कौन कौन से कारक सहयोग हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अनेक दृष्टिकोण से समस्याओं को खोजना चाहिए, उनके समाधान हेतु कार्यक्रम चलाने चाहिए। अनेक समस्याएं होती हैं हर क्षेत्र में, प्रसार कार्यकर्ता को इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु एक साथ ही कार्यक्रम नहीं बनाने चाहिए, एक एक समस्या पर फोकस करके उससे संबंधित कार्य करने चाहिए और सबको समानांतर रूप से चलाना चाहिए। यदि एक साथ सभी समस्याओं को पकड़ा जाएगा तो वह समझदारी का कार्य नहीं होता है और वह कार्यक्रम की असफलता का कारण बनता है। धैर्य के साथ कार्य किया जाने वाला कार्य है प्रसार कार्य, जिसके लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं और वो भी निरंतर करने होते हैं, तभी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। चलिए, बहुत सारे सिद्धांत हैं, आज के लिए इतना बहुत है। आगे के सिद्धांतों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।